ये तस्वीर देखिए, आपको कुछ हैरान नहीं कर रहा? क्या आपको नहीं लग रहा कि पाकिस्तान के सियासी पोस्टर में मूसेवाला क्या कर रहा है? ठीक है, माना कि कलाकार सीमाओं में नहीं बंधे होते, लेकिन अब जब मूसेवाला इस दुनिया में नहीं है, तब पाकिस्तान में सिद्धू मूसेवाला की लोकप्रियता को भुनाने की आपको ये कवायद नहीं लग रही है? दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो मैं बात कर रही हूँ, जो ये जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, ये मूसेवाला की है। और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, जैसा कि आप जानते हैं, इनकी हत्या 29 मई को पंजाब के मानसा जिले में हुई थी। भारत में पंजाब से लेकर के महाराष्ट्र तक की पुलिस इस मामले की गहराई से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पड़ताल कर रही है। सिद्धू मूसेवाला के कातिलों की तलाश के लिए भारत के 6 राज्यों की पुलिस चप्पा चप्पा खंगाल रही है। जो लोग कस्टडी में हैं, उनसे बारीक से बारीक माइक्रो लेवल पे जाकर के बातचीत की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सिद्धू मूसेवाले का सियासी फायदा उठाया जा रहा है, यानी कि पॉलिटिकली माइलेज लेने का प्रयास किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये भारत के लोगों के लिए बहुत हैरानी की बात है। और ये बात जितनी अटपटी लग रही है, उससे भी कहीं ज्यादा हैरान कर रही है, क्योंकि इन दिनों पाकिस्तान की घरेलू सियासत में सिद्धू मूसेवाला की तस्वीरों का जम करके इस्तेमाल हो रहा है, और वो भी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता पंजाबी सिंगर की लोकप्रियता को भुनाने में लगे हुए हैं, और यूं कहिए कि पूरा अपना पसीना बहा रहे हैं। अच्छा, ये जो मैंने तस्वीर आपसे साझा की है और ये जो आपसे मैं बात कर रही हूँ, ये सबसे पहले बीबीसी ने इस पोस्टर को फ्लैश किया, और अगर इस बात पे यकीन किया जाए तो पाकिस्तान में पंजाब के उपचुनाव हो रहे हैं। इन चुनाव में इमरान खान की पार्टी के प्रत्याशी जैन कुरैशी के चुनावी पोस्टर पर तमाम नेताओं के बीच जैन कुरैशी चुनावी पोस्टर पर तमाम नेता हैं, और उसके बीच में बीचन बीच में सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर भी झांक रही है। और ऐसा भी नहीं है कि ये तस्वीर जो है किसी भीड़ का हिस्सा हो, बल्कि पोस्टर को देख के लग रहा है जैसे सिद्धू मूसेवाला वहां का कोई बहुत बड़ा नेता है, और वहां के स्थानीय नेताओं के मुकाबले उसकी तस्वीर को ज्यादा माइलेज दी जा रही है, ज्यादा प्रमुखता से उसको दिखाया जा रहा है। ऐसे में अब ये पाकिस्तान में जबरदस्त चर्चा का विषय बन गई है। इमरान की पार्टी पीटीआई के जैन कुरैशी मुल्तान के पीपी 217 से उम्मीदवार अपनी पेश कर रहे हैं, और उनके चुनावी पोस्टर पे छपी हुई है सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर। वहां की सभी चुनावी सभाओं में इस पे चर्चा हो रही है। उसी पोस्टर में पीटीआई के कुछ बड़े नेताओं और पदाधिकारियों की भी तस्वीर देखी है, नजरें आ रही है। लेकिन उस पोस्टर में सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर, उनके साथ तस्वीर के साथ साथ उनका एक गीत है 295, उसका भी जिक्र हो रहा है। वो गीत भी काफी बजाया जा रहा है। और ये बात सभी जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला अकेले भारत में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के पंजाबी भाषी लोगों में काफी लोकप्रिय रहे हैं। खासतौर पे पाकिस्तान के नौजवानों में सिद्धू मूसेवाला के गीत काफी लोकप्रिय हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया में सिद्धू मूसेवाला के गीतों को सुनने वालों में भी ज्यादा संख्या जो है वो पाकिस्तानी दर्शकों की है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है, ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 1 महीने के बाद उनकी लोकप्रियता को इमरान की पार्टी के उम्मीदवार जैन कुरैशी क्यों भुना रहे हैं, क्यों उनका पोस्टर यूज कर रहे हैं। साथ ही जैन कुरैशी के पोस्टर पर सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर आखिर क्यों और किसने लगाई? और जब इस बारे में जानकारी ली जाती है, तो वो सिर्फ इतनी सी बात कहते हैं कि इन दिनों वो अपने राजनीतिक दौरों की वजह से काफी व्यस्त हैं, लिहाजा उन्हें इस बात का इल्म नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है कि ये कब और कैसे हो गया। हालांकि उन्होंने ये जरूर माना कि सोशल मीडिया पे उनके कुछ जानने वालों ने इस पोस्टर की कुछ तस्वीरें जरूर साझा की हैं,
लेकिन उसे उन्होंने किसी मजाक का एक हिस्सा समझ करके नजरअंदाज कर दिया। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि आखिर सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर उनके पोस्टर पे कैसे आ गई। है नहीं हैरानी की बात, लेकिन जैन कुरैशी ने यह बात खुले दिल से स्वीकार की कि इस एक तस्वीर ने उनके पोस्टर को जितना वायरल करके शोहरत दिलाई है, उतनी आज से पहले उनको कभी शोहरत नहीं मिली थी। इसके लिए उन्होंने कहा कि वो उस शख्स का शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं जिन्होंने मेरी कामयाबी के सिलसिले में इस पोस्टर को इस तरीके से वायरल किया। तो बड़ी हैरान कर रही है ना ये बात कि कैसे पाकिस्तान में भी मूसेवाला के को यूज किया जा रहा है, हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी मूसेवाला के तस्वीर को पोस्टर में शामिल किया गया। और कल ही एक धमकी भरे पत्र में ये वाली बात भी गोल्डी बराड के जरिए से कहने का प्रयास किया गया कि उनके जो लॉरेंस बिश्नोई हैं उसको उन्होंने भाई करके बुलाया कि लॉरेंस बिश्नोई भाई जो है आजकल मुश्किल में है, इसके लिए वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो दोनों चीजों को अगर आप मिला के देखिए कि लॉरेंस बिश्नोई को बचाने के लिए पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं और उधर उधर मूसेवाला की तस्वीर को पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इन सब चीजों का क्या कनेक्शन है दोस्तों, ये आप भी अंदाज लगा सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। फिलहाल इतना ही, आपसे मैं फिर मिलती हूँ किसी और स्टोरी के साथ, किसी और कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।